हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर 4 ईयर की क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो आंसर होगा, एटमॉस्फेयर इज़ अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। तो एटमॉस्फेयर एक थिक ब्लैंकेट होती है हवा की, जो कि अर्थ का जो सरफेस है उसको सराउंड करती है। जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। एक ट्रोपोस्फेयर, ये पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की, जो कि जस्ट अर्थ के सरफेस से अबव होती है। जिस एयर में हम ब्रीथ लेते हैं, मतलब जो हवा है, जिस हवा से हम सांस लेते हैं, वही इस लेयर में प्रेजेंट है, और इसी की वजह से अर्थ में लाइफ सपोर्ट करती है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर यानी ट्रोपोस्फेयर से अबव यानी ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर आता है। पहले ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर ही जस्ट स्ट्रेटोस्फेयर आता है, और इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर तक की हाइट होती है। द ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट इन दिस लेयर, और इस लेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है। एरोप्लेन जो उड़ते हैं ना, वो इसी लेयर में उड़ते हैं। अब आता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर ही थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर होती है ये, और ये 80 किलोमीटर तक की हाइट इसकी होती है। मेटियोराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर और एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। जो मेटियोराइट्स होती हैं वो इसी लेयर में बर्न यानी जल जाते हैं जब वो स्पेस से एंटर करते हैं। थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर जो है यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली राइज होता रहता है इंक्रीजिंग हाइट के साथ। लोनोस्फेयर इसी का पार्ट है, और ये जो लेयर है ना, आपको रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। फिर आती है सबसे अपर मोस्ट लेयर, एग्जोस्फेयर, और ये जो है काफ़ी थिन लेयर होती है, यानी जो लेयर है ना उसमें काफ़ी थिन हवा होती है, बहुत पतली पतली हवा। ठीक है, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर की सारी लेयर्स थी, और एटमॉस्फेयर वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका हमने आंसर देख लिया है। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ डायग्राम भी है। सबसे पहले जो हमारा ट्रोपोस्फेयर आएगा, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, यहीं पर देखिए ओजोन लेयर आ जाती है, फिर मेसोस्फेयर, फिर लोनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एंड सबसे टॉप पे होता है हमारा एक्सोस्फेयर। उसके बाद अब हम देखने वाले हैं बी वाला क्वेश्चन, विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का बल्क जो है कौन सी दो गैसेस बनाती हैं? तो बहुत ईजी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 78% एयर का जो है नाइट्रोजन ही होती है, और बाकी का बचा 21% ऑक्सीजन होता है। उसके बाद कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है एटमॉस्फेयर में? तो इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि दूसरे गैसेस के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यही मेजर कंट्रीब्यूटर हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करने के। उसके बाद देखिए आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद अदर गैसेज सच एज मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर इन कॉजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके बाद वेदर का पूछा है कि वेदर क्या होता है, तो वेदर इंक्लूड्स द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दैट चेंज आर टू आर। वेदर ऑफ अ प्लेस कीप चेंजिंग डे टू डे एंड इवन आर टू आर। अ रिकॉर्ड ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। तो देखिए वेदर क्या होता है, वेदर समय के साथ बदलता रहता है, ठीक है, दिन ब दिन या फिर घंटे घंटे भी वेदर बदलता रहता है, ठीक है। और अगर काफ़ी लंबे समय तक एक ही वेदर रहे, यानी फिर वो क्लाइमेट हो जाता है, जब वो क्लाइमेट अलग चीज़ होती है, जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है पर्टिकुलर प्लेस की, वो तो क्लाइमेट होता है उस प्लेस का। लेकिन वेदर जो बार बार बदलता रहे, आर टू आर, डे टू डे चेंज होता रहे ना, वो वेदर होता है। उसके बाद हमारा ई क्वेश्चन, 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल आपको बतानी है। तो पहली जो है हमारी कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, व्हेन वाटर वेपर्स राइज अप दे रीच हाई अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड कूल डाउन टू फॉर्म क्लाउड्स। व्हेन क्लाउड्स कैन नॉट होल्ड एनी मोर वाटर दे फॉल डाउन इज रेनफॉल। तो जैसे हमें पता है वाटर वेपर ऊपर जाती है और ऊपर फिर वो क्लाउड्स फॉर्म करती है, कूल डाउन मतलब एंड कूल डाउन टू फॉर्म क्लाउड्स, और जब क्लाउड्स इतना सारा पानी झेल नहीं पाते हैं तो वो बरस जाते हैं, रेनफॉल यानी बारिश हो जाती है ना। तो ये तो हमारी कन्वेक्शनल रेनफॉल हो गई। ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है, इट ऑकर्स व्हेन द मॉइस्ट एयर राइजेस अप इन द माउंटेन्स फ्रॉम द ओरोग्राफिक क्लाउड्स एंड फॉल्स एंड रेनफॉल। ये होता है जब जो माउंटेन में से जो ऐसे मॉइस्ट नहीं निकलता, वो जब ऊपर जाकर बादल बना देती है, तो वो ओरोग्राफिक क्लाउड्स होते हैं और फिर वो बरसते हैं बारिश के तौर पर। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होती है,
ये जब साइक्लोनिक विंड्स चलती है ना डिफरेंट टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी डेंसिटीज मीट, इट ऑकर्स व्हेन द साइक्लोनिक विंड्स ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी डेंसिटीज मीट. तो जब अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर की विंड्स चलेंगी, हवा चलेंगी, ठीक है, और जो ह्यूमिडिटी डेंसिटीज होती हैं वो जब मिल जाती हैं तो ये रेनफॉल होती है. उसके बाद एफ है, व्हाट इज़ एयर प्रेशर. एयर प्रेशर क्या होता है, तो देखिए जो एयर है जो प्रेजेंट होती है हमारे आसपास एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, यानी हर किसी चीज़ पे ही प्रेशर डालती है. इसी को हम एयर प्रेशर कहते हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. जो एयर प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है, जब जब हम हवा के ऊपर ऊपर जाते जाएंगे ना तो वो डिक्रीज़ होते जाएगा. इसलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं ना उन्हें सांस लेने में ना प्रॉब्लम होती है, और देयर नोज ब्लीड्स बिकॉज प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द विंग्स बिकम मोर देन द एयर प्रेशर. तो देखो जब एयर प्रेशर डिक्रीज़ होता जाता है जितना ज़्यादा हम ऊपर जाते जाएंगे, इसी वजह से जो माउंटेनियर्स होते हैं जो माउंटेन को क्लाइंब करते हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, कभी कभी उनकी नोज़ में ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है, बिकॉज जो ब्लड का प्रेशर होता है ना वेंस के अंदर वो एयर प्रेशर से ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, एयर प्रेशर कम हो जाएगा तो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और ब्लीडिंग हो जाएगी. उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट में आपको टिक तक करेक्ट आंसर लगाने हैं. तो यहाँ पर इन फॉलोइंग में से कौन सी गैस हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल सन रेज में से, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ओजोन. उसके बाद बी वाला जो क्वेश्चन आपका है उसमें भी क्या है, टिक द करेक्ट आंसर क्या है देख लेते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफियर इज, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है एटमोसफियर की, तो जो फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर यही सबसे इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यही लाइफ सपोर्ट करती है. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड आपको बताना है. तो बी स्ट्रेटोस्फेयर, ये ऑलमोस्ट फ्री है क्लाउड से और यहाँ एरोप्लेन्स भी उड़ते हैं. तो अब डी में भी टिक द करेक्ट ऑप्शन है, टिक द करेक्ट आंसर है. जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं जो प्रेशर होता है एयर का वो डिक्रीज़ होता जाता है या इंक्रीज़ होता जाता है, तो देखिए बी डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना. तभी अभी अभी हमने पढ़ा डिक्रीज़ होता है, इसी वजह से माउंटेनियर्स को क्लाइंब करते वक्त दिक्कत होती है सांस लेने में. व्हेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म इट इज़ कॉल्ड, तो जब प्रेसिपिटेशन डाउन आता है अर्थ के नीचे आता जाता है लिक्विड फॉर्म में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये तो बहुत ईजी है, रेन कहते हैं. ठीक है, तो बी हो जाएगा. उसके बाद मैचिंग करनी है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो मैचअप कैसे हो जाएंगे देखिए, इस तरीके से मैचअप हो जाएंगे. देखो जो ट्रेड वाइंड्स हैं वो मैच हो जाएंगी हमारी परमानेंट वाइंड से, ठीक है, क्योंकि ये जो वाइंड्स होती हैं वो कंस्टेंटली चलती ही रहती हैं पूरी ईयर पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है. और अब जो लू है, लू हमारी क्या होती है, लोकल विंड होती है, ठीक है, लू हमारी लोकल विंड होती है, ठीक है, क्योंकि ये ओनली पर्टिकुलर पीरियड या फिर मतलब पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया, मान लो कोई एरिया है तो थोड़े ही पीरियड के लिए वो चलेगी हवा, और मतलब पूरे साल नहीं चलेगी क्योंकि लू थोड़े ना पूरे साल चलते रहते हैं, बस साल में किसी एक दिन या मतलब साल में कुछ समय के लिए चलता है जब बहुत गर्मियाँ हो जाती हैं, है ना. मॉनसून जो है वो सीजनल है, क्योंकि मॉनसून सीजनल क्यों होती हैं, जो मॉनसून वाइंड्स होती हैं कैरी क्लाउड्स दैट कॉज रेन्स इन द मॉनसून सीजन. मॉनसून वाइंड्स ऐसे क्लाउड्स को कैरी करती हैं जो कि रेन करवा देते हैं मॉनसून सीजन में. तो मॉनसून इसलिए सीजनल होता है, हर साल सीजनल है ये, है ना, तो एकदम सीजनल विंड है. और अब बची विंड, तो विंड लेयर है ओजोन गैस की या इनकमिंग सोलर एनर्जी है ये आपको बताना है. तो विंड जो है वो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर. यहाँ पर ये तीन ऑप्शन बचे हैं ना, तीन हमारे हैं, इनकमिंग सोलर एनर्जी, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर और लेयर ऑफ ओजोन गैस. तो ये मैच हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, क्योंकि इस तरीके से मूवमेंट होती है एयर की, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रीज़न देने हैं, वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे. ह्यूमिड डे में जो गीले कपड़े होते हैं वो लंबा समय क्यों लेते हैं सूखने में. तो देखिए जो ह्यूमिडिटी होती है ना, ह्यूमिड डे जो होता है बेसिकली, उसमें एयर में ऑलरेडी बहुत सारा मॉइस्चर होता है, पानी, वाटर वेपर्स हम कह सकते हैं उसके अंदर होता है. तो इसी वजह से जो गीले कपड़े हैं ना वो ज़्यादा लंबा टाइम लेते हैं सूखने में, क्योंकि बहुत कम वाटर ना इवेपोरेट हो पाता है उनमें से,
उसके बाद अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स, यानी जो इंसोलेशन का अमाउंट है वो कम क्यों होता जाता है इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाते, जो हमारा इक्वेटर है उसे जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं ना, तो हमारा जो इंसोलेशन का अमाउंट है वो डिक्रीज क्यों होता जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए इंसोलेशन क्या है, इंसोलेशन इनकमिंग सोलर एनर्जी है ना, जो अमाउंट इंसोलेशन का होता है ना वो पोल की तरफ जाते जाते डिक्रीज होते जाता है। ये ऐसा ही है जैसे सन रेज़ जो है पोल की तरफ जाते जाते कम हो जाती है ना, पोल की तरफ कम सन रेज़ आ पाती हैं क्योंकि वो इक्वेटर पे तो स्ट्रेट पड़ेंगी, इक्वेटर पे तो स्ट्रेट पड़ेंगी, लेकिन ऐसे धीरे यहाँ पोल की तरफ तो बहुत कम सन रेज़ जा पाएंगी ना उधर की तरफ, तो ऐसे ही हमारा इंसोलेशन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फॉर फन सॉल्व दिस क्रॉसवर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज। अब ये फ़न के लिए है, करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये जो पज़ल है ना ये पूरी पज़ल आपको भरनी है। कैसे भरेंगे, देखिए इस तरीके से आप इसे भर देंगे, ओके। तो फिर आगे के सारे क्वेश्चंस आपके फ़न के हैं, इन्हें करना उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं। यहाँ पर मेक अ वेदर कैलेंडर फॉर वन वीक, यूज़ पिक्चर्स और सिंबल टू शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर। यू कैन ऑल्सो यूज़ मोर देन वन सिंबल इन वन डे इफ द वेदर चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल द सन कम आउट वेन द रेन स्टॉप इन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। तो देखिए अब आपको ना पूरे एक हफ्ते का ना वेदर कैलेंडर बनाना है, पूरे एक हफ्ते का, कि पहले दिन एक हफ्ते में गर्मी रही फिर दूसरे दिन सर्दी आ गई, ऐसा तो नहीं हो सकता, बट ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी यहाँ पर मैंने यहाँ सन बनाया है, तो सन यानी सनी डे, वेदर कैसा है आज, सनी डे है। उसके बाद जैसे सनी डे के बाद अगले दिन ना बारिश का मौसम बन गया, तो आप यहाँ ना बूंदे बना सकते हैं कि भाई बारिश हो रही है। उसके बाद बारिश होने के बाद अचानक से क्या हो गया, सूरज उगाया अचानक से, मतलब बारिश बंद हो गई, उसके बाद हमारा सन आ गया, तो फिर इस तरीके से हमारा दूसरे दिन का वेदर रहा, रेनी और सनी भी रहा, है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर सेकेंड दिन क्लाउडी रहा, फिर उसके बाद रेन आ गया, फिर स्टॉर्म आ गया, उसके बाद कान डे, यानी एकदम नॉर्मल दिन रहा, एकदम अच्छा दिन रहा। तो इस तरीके से ये हो सकता है कि पहले दिन तो भाई सूरज निकला था, फिर थोड़े बादल आ गए दूसरे दिन, तीसरे दिन पूरी बारिश ही होगी, चौथे दिन पूरा जो है तूफान आ गया, है ना, स्टॉर्मी डे रहा, उसके बाद पाँचवें दिन हमारा एकदम नॉर्मल और एकदम काम डे रहा। तो पूरे एक हफ्ते का आपको बनाना है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे, आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।